the moon is the snow. We don't care about the others. You set my world on fire. Good morning everyone. तो कैसे हो आप सब? आज साउथ इंडियन स्पेशल ब्रेकफास्ट के साथ ये व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और ये जो सारे फूड आइटम्स हम लाए हैं ये कोथानूर उदुपी वैभव से लाए हैं। उनका टेस्ट और पोर्शन दोनों ही बहुत अच्छा है। मिथुन को मैंगलोर बान बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मिथुन ने वो मंगवाई है और मुझे इडली इतना पसंद नहीं है, डोसा ज्यादा पसंद है, पर आज मैंने सोचा कि इडली खाते हैं। तो इडली और वड़ा ये एक पैकेट में आता है, दो इडली एक वड़ा, तो एक बड़ा और एक इडली आज मैं लूंगी। और ये जो मैंगलोर बान है इसका साइज देखा है, इतना बड़ा है कि मुझे तो लगता है एक से पेट भर जाएगा, पर यहाँ पे एक नहीं आता, एक सेट में दो आता है। मुझे तो साउथ इंडियन डिशेस बहुत पसंद है, पर हाँ मेरे लिए बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाती है क्योंकि जब भी मैं इडली वगैरह बनाने जाती हूँ ना, इतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता। पर डोसा ठीक ठाक बन जाता है, पर प्रॉब्लम ये है कि डोसा बनाओ तो इसके साथ चटनी, इसका स्टफिंग और सांबर दाल, तो ये सारे चीजें एक साथ बनाना पड़ता है, तो ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं ज्यादा घर पे इडली डोसा या कोई भी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट नहीं बनाती। जब भी मन करता है तो बाहर से मंगवा लेती हूँ। और अभी उसके बाद चाय तो बनता है, तो आज थोड़ा सा एक्चुअली वेट किया था, पहले ब्रेकफास्ट आ जाए, ब्रेकफास्ट कर लेंगे एंड देन चाय पी लेंगे। नीचे का ये जो बेडरूम है ना, ये हमेशा थोड़ा बहुत मेसी रहता है बिकॉज ऑस्कर मायलो, मैं, मिथुन, हम सभी यहाँ पे ही पूरे दिन रहते हैं। मतलब मिथुन तो ऑफिस रहते हैं पर यहाँ पे आके कभी कभार हमारे साथ बातचीत करने आते हैं तो भी कंबल के नीचे घुस जाते हैं और थोड़ा सा टीवी देख के जाते हैं, तो इसलिए इसे मुझे बार बार काम के बीच बीच में आके ठीक करने की जरूरत पड़ती है। बाय द वे, मेरा नहाना हो गया, पूजा पाठ हो गया, अभी मैं जाऊंगी लंच बनाने। और इस रूम के फ्लोर को भी बार बार क्लीन करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ऑस्कर मायलो जबकि यहाँ पे रहता है ना, तो उनका फार भी इस रूम के कोने कोने पे रह जाता है और मुझे ये बिल्कुल नहीं चलेगा, तो इसलिए मैंने वैक्यूम हमेशा मेरे हाथ में रेडी रखती हूँ। आज लंच में बनेगा चीतल माछ एंड राइस। तो चीतल माछ का जो ये पीस है ना, ये इस तरह से वो लोग कट करके देते हैं, आपको नीचे का पोर्शन या ऊपर का पोर्शन अलग अलग से नहीं मिलेगा, ये पूरा रिंग पीस करना पड़ेगा। तो आर्यन तो नहीं खाने वाले, तो मैं और मिशन हम दोनों के लिए दो, और इतने बड़े बड़े पीसेस है ना कि एक से ही आराम से, मतलब बिना राइस के भी एक अगर आप खाओगे ना तो आपका पेट फुल हो जाएगा। बाथरूम का दरवाजा बंद था तो इसलिए ऑस्कर की यहाँ पे सुसु कर गया, तो मैं इसे जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि अगर सुसु करता भी है तब भी अगर जल्दी से हम पानी दे देते ना, यहाँ पे पानी डाल देते या तो बहुत टाइम हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा पानी के साथ अगर लाइजॉल ऐड कर देते हैं तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, कोई बदबू वगैरह कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अगर कुछ करता है ये दोनों में से एक भी यहाँ पे कुछ, तो जल्दी से मैं इसे क्लीन कर दूँ। तो अभी फिश को फ्राई कर लेते हैं, पर कढ़ाई में एक एक नहीं आ रहा है पूरा, अगर लेंथ में अगर पकड़ लूँ तो पीछे की तरफ थोड़ा सा मुड़ के हमें देना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, दोनों एक साथ ना सही, एक एक करके हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए जब तक फिश फ्राई होता रहे तब तक आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे फिश हम कल लाए थे, जैसे कि लोग ज्वेलरी, साड़ी, ये सारे चीज को लेके प्राउड होता है, देखो मेरे पास कितने सारे कलेक्शन है, और मैं फिश को लेके प्राउड हो जाती हूँ कि देखो कल हमने कितने सारे फिशेस लाए हैं, सारे थोड़ा थोड़ा पर वैरायटीज देखे ना, मुझे और मिथुन दोनों को ये बहुत अच्छा लगता है जब मार्केट में हमें मिलता है, तो इसलिए कुछ मेरे चॉइस का, कुछ मिथुन के चॉइस का, यहाँ पे सारे फिश है। और कल आर्यन पहली बार बोला कि बासा फिश ले सकते हैं हम, बासा फिश के साथ फिश तंदूरी या फिश पकौड़ा, मतलब फिश बैटर फ्राई, ये सब कुछ बनाने के लिए, तो इसलिए मैं फिले भी लाई हूँ। इंस्टामार्ट से कुछ ऑर्डर किया था तो उसका डिलीवरी आ गया, तो कुछ रूम फ्रेशनर्स यहाँ पे है, और ये रूम फ्रेशनर ना
ट्रस्ट में इतना अच्छा है पर ज्यादा दिन नहीं चलता, यही प्रॉब्लम है। अदरवाइज इसका जो खुशबू है ना बहुत टाइम तक चलता है। नीचे की बाथरूम के लिए दो, मतलब पूरे नीचे के फ्लोर के लिए दो, और एक हमारे बेडरूम के लिए, एक आर्यन के बेडरूम के लिए, चार बस। ये सब तो ठीक है पर मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे बिना हाथ लगाए फिश को खाऊं, क्योंकि इस फिश में ना बहुत सारे कांटे होते हैं, और फोर्क और स्पून से मैं कैसे ये कांटे को निकालूं और फिश को खाऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आता। पर कोशिश तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे कितने सारे वीडियोस बाकी है। नेल में अगर वो जो टर्मरिक का स्टेन है ना वो अगर आ जाए तो बस मुश्किल हो जाएगा। दिन दुर्गा पूजा भी सामने है, अभी नेल को तो मैं खराब नहीं कर सकती, तो कोशिश करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी ये शाम का टाइम और अभी मैं यहाँ पे चॉकलेट केक बनाने आ गई, क्योंकि ये आर्यन का मन था। लास्ट दो दिन से बोल रहा था कि मामा केक नहीं है, मैंने बोला कि स्विगी से मंगवा देती हूँ, नहीं पेस्ट्री नहीं, और वो ब्रिटानिया का जो स्लाइस केक है वो सब भी नहीं, आप जैसे बनाते हो। और इस टाइम में सच बोलूँ तो थोड़ा सा काम का प्रेशर ज़्यादा है, दुर्गा पूजा आ रहे है, ब्रांड्स का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो दो दिन बाद एटलीस्ट टाइम मिला, तो आज मैं सोच रही हूँ कि उसका केक भी बना दूँ। और मिथुन का भी मन था कि बाजार जाके कितने सारे फिश लाए, क्योंकि बहुत दिनों से वैराइटीज फिश नहीं खाए, तो वो भी ख्वाहिश पूरा कर दिया। तो चलिए अभी केक बनाते हैं, पर केक का पूरा सामान है भी नहीं, क्योंकि केक मोल्ड में जो बटर पेपर दिया जाता है वो पेपर नहीं है, तो ऐसे इस मोल्ड को मैंने ग्रीस किया है और उसके बाद फ्लावर को स्प्रिंकल किया और उसमें डाल दूंगी। पता है जब निकालूंगी तब उस टाइम में थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर क्या कर सकते, इंस्टामार्ट में भी बटर पेपर नहीं मिल रहा था। By God grace, मेरे पास काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल में मैं हूँ, तो इस टाइम में ना फैंसी कुकिंग करने का सच बोलूं तो टाइम नहीं है। फिर भी इन लोगों का जो मन है, एक्चुअली मिथुन और आर्यन दोनों ही बहुत फूडी है, इनका जब मन करता है कि कुछ खाए तो मुझसे आके बोलते हैं कि आज ये खाने का बहुत मन कर रहा है, बना पाओगी? और आर्यन भी छोटे छोटे रिक्वेस्ट तो करता रहता है, तो इतने प्रेशर में भी जब उनके लिए कुछ बना पाती हूँ ना तो दिल से खुशी होती है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि बटर पेपर नहीं है, तो अभी ये केक निकालने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इतना सॉफ्ट बना है केक, मुझे तो लगता है ये टूट जाएगा। वैसे ठीक है, टेस्ट भी बढ़िया है और केक का केक भी हो गया, पर थोड़ा सा शेप में अगर गड़बड़ हो गया तो क्या हुआ, बाद में मैं आर्यन को सब बना के दूंगी। एक्चुअली अभी नेक्स्ट वीक हम लोग कोलकाता जाने वाले हैं, बोलने में भी मैं हंस पड़ती हूँ, इतना खुशी हो रही है मुझे, तो इसलिए ना ज्यादा कुछ नहीं ला रही हूँ, बहुत सारी चीजें अभी बाकी है जो कि मुझे लानी है, जैसे ग्रोसरी के बहुत सारे आइटम्स, पर मुझे लगता है कि चलो पहले दुर्गा पूजा वहां पे मना के आते, उसके बाद सारी चीजें लाते, और जबकि वो चीज इंस्टेंटली जरूरत पड़ जाती है तब नहीं मिलता। और आज जो ये छोटे छोटे ऑरेंज आप देख रहे हो ना, जो मैं फ्रूट बास्केट में रख रही हूँ, तो ये ऑरेंज कहीं पर भी मिले ना बस ले लेना, थोड़ा सा महंगा है नॉर्मल ऑरेंज से, पर आप आंखें बंद करके ले सकते हो, इतना ज्यादा स्वीट है, इसमें एक भी सीड नहीं है, एक भी नहीं, जैसे कि बड़े बड़े ऑरेंजेस होते हैं, तो वो ऑरेंज जब भी मिलता है हम ले लेते हैं, पर हमेशा ये गारंटी नहीं रहता कि वो स्वीट होगा, पर ये वाला जो छोटे छोटे ऑरेंज है ये बहुत ज्यादा स्वीट होता है। चलो आर्यन आ गया केक खाने के लिए, और अभी मैं आर्यन को केक सर्व करूंगी, पर आर्यन को खाना है कैरामेल सिरप के साथ, पर कैरामेल सिरप इतना ज्यादा टाइट है ना, वो निकलना ही नहीं चाहता, ऐसा लगता है कि अभी नहीं है, मैं जबरदस्ती निकालने की कोशिश करती हूँ, पर ट्रस्ट में हाथ में बिल्कुल दर्द हो जाता है उसके से प्रेस करके रखने में। पर कैरामेल सिरप के लिए मुझे लगता है अलग ब्रांड्स को जो डब्बा है वो चेंज करना चाहिए, लास्ट में बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, इसके अंदर रहता है और मिल नहीं पाता हमें। हैप्पी? यस। अभी खा के देखो। कैरामेल से भरो लगी का था। पहली बार आर्यन चॉकलेट केक कैरामेल के साथ खा रहा है। एक्चुअली जब भी मैं चॉकलेट केक बनाती हूँ तो उसे चॉकलेट सिरप ही चाहिए। एक बार स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ ट्राई किया था ना? हमारे घर में तो हर्षिस का सिरप आता है ना? वो बहुत ही बेकार था।
पर इसके साथ अभी अच्छा लग रहा है। वैसे कैरामेल होता बहुत अच्छा है। कॉफी में भी मैं कैरामेल हमेशा प्रेफर करती हूँ। जब भी मैं डिफरेंट टाइप के कुछ कॉफी लेती हूँ तो कैरामेल फ्लेवर्स हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ। केक में भी मैं कैरामेल पसंद करती हूँ। तो अभी ऑस्कर और मालो का खाने का टाइम है, तो इन लोगों को मैं खिला दूँ, क्योंकि इन लोगों का ना टाइम फिक्स होता है, उस टाइम में खिलाना सबसे बेटर रहता है। और फिर मैं वेट करूंगी मिथुन का लॉग आउट करने का। अभी मम्मा ऑस्कर को खिला के तुमको भी खिलाएगा। तुमको भी हाथों से खिलाना है क्या? खाना अगर मनपसंद हो तो आर्यन को किसी को भी खिलाने की जरूरत नहीं है। फ्रिज में रहेगा, खुद गर्म करके फिर खाएगा। और अगर मनपसंद खाना ना हो तो उसके सामने भी अगर दूं ना तो ऐसा करता रहेगा। करके दिखा। एक्चुअली आज चॉकलेट ही खाया है, तो मुझे नहीं लगता डिनर आज ज्यादा कुछ करेगा। तो चलिए आज मैं आपको मिलवाऊंगी गली बॉयज के नए मेंबर्स के साथ। तो यहाँ पे जो आप काउ देख रहे हो ना, तो ये लास्ट कुछ दिनों से जब भी इन लोगों को मैं खाना खिलाने आती हूँ यहाँ पे डॉग्स को, तो ये लोग चले आते हैं खाना खाने। पर जब चिकन का स्मेल आता है तो और नहीं खाता, भाग जाता है। पर इन लोगों का भूख है ये तो देख के पता चला। देन मैंने एक ऑफर दिया कि अपना नाम गली बॉयज में लिखवा लो, तो लिखवा लिया। तो अभी रोज इनको फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी मेरे फ्रिज में होता है ना वो दे देती हूँ। और ये लोग खट्टा फ्रूट्स नहीं खाते, तो इसलिए क्यूकुम्बर एंड बनाना मस्ट है। उसके बाद गोभी, गाजर जो भी रहता है, जैसे कि आज लेके आई हूँ गाजर, तो इस तरह से उनको खिलाती हूँ, क्योंकि ये भी शायद एबंडेंट ही है, क्योंकि बिजनेस में इनका कोई काम नहीं है तो लोग इनको देखते भी नहीं है। बस आते जाते हुए जो भी मंदिर मिलता है, मैं बस हाथ जोड़ के एक ही बात बोलती हूँ कि भगवान आपका बनाया हुआ ये बेजुबानों को किसी भी रात में बिना खाए सोना ना पड़े। बस इतना आप देख लो, और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए आज भी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।